एक नाम जिसने हिंदी साहित्य की दुनिया में एक नई क्रांति की, एक लेखिका जिन्होंने स्त्री मन की गहराइयों को अपनी कलम से उकेरा। जी हाँ, यह है महान उपन्यासकार, कहानीकार और लेखक शिवानी की कहानी। एक ऐसी लेखिका जिनकी रचनाएं आज भी पाठकों को एक नई दिशा, नया आयाम देती है। शिवानी का असली नाम गौरा पंत था। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1923 को उत्तराखंड के रईस परिवार में हुआ था। आज इनका जन्मदिन भी है। गौरा पंत की पहली कहानी 1935 में 12 साल की उम्र में हिंदी बाल पत्रिका नटखट में प्रकाशित हुई थी। गौरा पंत को रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में अध्ययन के लिए भेजा गया था, जिसमें वह 9 वर्षों तक शांति निकेतन में रहीं और 1943 में स्नातक शिक्षा के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांति निकेतन में बिताया उनका समय उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। रविंद्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने जीवन और साहित्य के नए आयामों को समझा। परंतु ये सफर आसान नहीं था। एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज की परंपराओं और जंजीरों को तोड़ा, उनके उपन्यास और कहानियां जैसे कृष्णकाली, 14 फेरे और भैरवी समाज की वास्तविकता को सामने लाती हैं। हर कहानी, हर चरित्र समाज के अलग अलग पहलुओं को बयां करता है। शिवानी की रचनाएं सिर्फ काल्पनिक दुनिया का हिस्सा नहीं थी, उनमें बसा था उस समय का समाज, वो संघर्ष जो महिलाएं रोजाना झेलती थी। उनकी कहानियों में स्त्री मन की अनकही बातें, उनके सपने और उनके दुख दर्दों का सजीव चित्रण मिलता है। क्या ये सिर्फ साहित्य था या समाज के प्रति एक विद्रोह? शिवानी की कृतियों के चरित्र चित्रण में एक तरह का आवेग दिखाई देता है। वो चरित्र को शब्दों में कुछ इस तरह पिरोकर पेश करती थी, जैसे पाठकों की आंखों के सामने राजा रवि वर्मा का कोई खूबसूरत चित्र तैर रहा है। उनके पहले उपन्यास लाल हवेली ने 60 के दशक की शुरुआत में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया था। पद्मश्री से सम्मानित शिवानी ने अपनी लेखनी से न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि हर पाठक के दिलों में जगह बनाई। उनकी भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली थी और उन्होंने दिखाया कि महिलाएं केवल सहने के लिए नहीं बनी हैं। उन्होंने महिलाओं को एक नई आवाज दी, एक लेखिका जिसने अपने हर शब्द से समाज के उन कोनों को उजागर किया जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। शिवानी ने न केवल साहित्य में क्रांति की, बल्कि हर उस महिला को ताकत दी जो अपने सपनों को सच करना चाहती थी। शिवानी एक नाम, एक विरासत जो हमेशा जीवित रहेगी।